एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है संडे, आप सभी को हैप्पी संडे। और आज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, और इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि दीदी आजकल मंडे को निकलते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल दीदी के साथ में जाऊँ, इसलिए आज नहीं जा रही हूँ। तो मेरा संडे व्लॉग नहीं आएगा, कल निकलूँगी तो कल का आएगा। तो फिलहाल नाश्ता किया हुआ, बर्तन में अभी तक धोई नहीं हूँ, आपसे जैसे पड़ी हुई थी तभी धो रही हूँ और ख़त्म भी नहीं की हूँ, पड़ा हुआ है और डालना है। हल्का सा धो के, ऐसे हल्का सा धो के मशीन में डालना पड़ता है, तो मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। और आप सब कमेंट करके बताना कि आज आप सब क्या क्या कर रहे हैं, और जितने भी मुंबई में रहने वाले, अधिकतर तो संडे छुट्टी ही होता है, तो जाहिर सी बात है चर्च ही जाएंगे। तो मेरे जैसे ज़्यादा हँसी नहीं होना चाहिए, सुबह से ऐसी पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी मैं। अभी थोड़ा धो के बर्तन को मशीन में डाल रही हूँ। आप लोग कैसे करते हैं काम? तो हल्का सा मशीन में डालने से पहले बर्तन को थोड़ा धोना पड़ता है, फिर ऐसे मशीन में डालना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। ऊपर साइड में कड़छी उड़छी रखने के लिए, और बीच में गिलास वगैरह जो भी कटोरी वगैरह ऐसे रखा जाता है। तो आप लोग कैसे काम करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताना। अभी तो चालू नहीं, भरा नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग से बात करती हूँ करके मनाली में। ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, यहाँ दिखाई दिखाऊँगी जैसा लगता है, तो मैं यहाँ से वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए जब कभी भी संडे छुट्टी जाती हूँ तो बाहर का ही वीडियो बनाती हूँ। और आज मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसी बातचीत कर लेती हूँ करके। और आज का मौसम ना मुंबई का बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी लगातार हफ्ते भर से ही मौसम थोड़ा बहुत ज़्यादा, अधिकतर काम में रहते हैं वो लोग का लगता होगा कि मुंबई में कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, तो ऐसे ही होता है मेरे यहाँ, तो ऐसे ही होता है। और जब जहाँ तक आजकल अधिकतर जगह में ऐसे ही काम होता है, सब काम मशीन में ही होता है, देख सकते हैं। अभी मैं जितना भी बर्तन है इसको हल्का सा धो के, तो इधर मैं चम्मच वगैरह रख रही हूँ कुछ इस प्रकार से। फिर ये तो हो गया बर्तन का, तो कपड़ा भी पूरा मशीन से ही धुलता है, ये देख सकते हैं मशीन से ही धुलता है और मशीन में ही सूखता है, पूरा सूख जाता है, ये नहीं कि हल्का सा। तो मुंबई में ऐसे ही काम होता है, तो बहुत जगह अलग अलग भी होता है, और मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैं यही दिखा रही हूँ आप सबको। तो लगता हुआ कि कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, तो यहाँ पर भी मुंबई में अधिकतर काम ये नहीं कि घर में है तो पूरा काम कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब अलग अलग होता है, जैसे कि ऊपर काम नीचे काम, या तो फिर बोल लीजिए आपका खाना बनाने के लिए कोई कोई, मतलब एक ही उम्र रहते रहते में सारा काम भी करते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग भी होता है। तो रही बात मेरे यहाँ, तो सब चीज़ के लिए अलग अलग हैं। सुबह से देखें तो मेरा डेली रूटीन, जो कोई भी वीडियो देखे हैं वो सबको पता होगा कि जाहिर सी बात है 9-10 बजे ही उठते हैं, मैं भी उतना बजे ही उठती हूँ। और तो मैं ऊपर काम करती हूँ, ऊपर काम में कुछ इस प्रकार से होता है, बाई चांस डस्टिंग करना, या तो फिर
मेरे को तो डस्टिंग करना भी नहीं पड़ता है क्योंकि दीदी आती है, शांता दीदी, आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से उठ के मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, सुबह भी चाय वाय भैया ही आते हैं, चाय भैया ही बनाते हैं हमारे। तो फिर 10-11 बजे दीदी आते हैं, जो कि घर का जितना भी काम होता है ना, झाड़ू पोछा, बाथरूम वगैरह, सारा चीज़ वही करते हैं। और मेरा काम रहता है, मैं वही बर्तन वर्तन थोड़ा होते रहता है तो वो सबको धो देती हूँ, और कपड़ा वगैरह चालू करना रहता है, यही सब काम है। और थोड़ा थोड़ा इधर उधर का, क्योंकि यहाँ पे सुबह के लिए दीदी हैं और खाना पीना के लिए भैया हैं, और ऐसे कुछ कुछ काम के लिए मैं हूँ। फिर शाम को मेरे को थोड़ा सा करना पड़ता है, जो कि झाड़ू पोछा है, शाम को भी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ जाता है, तो शाम को भी हम लोग को झाड़ू पोछा आता है, जो कि मैं आराम करके उठती हूँ उसके बाद करती हूँ, तो बस 5 मिनट में हो जाता है। तो अभी 1 बज रहा है और हम लोग खाना खाते हैं, खिलाते हैं 2 बजे, तो हम लोग को खाना पीना खाते 3 बज जाता है, फिर काम वाम क्लियर करते भी उसी मतलब 2 से 3 बजे के बीच में ही कर लेते हैं, तो हम लोग का पूरा काम 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है। कभी कभी लेट भी होता है लेकिन अधिकतर जल्दी ही हो जाता है। तो बहुत कोई को लगता होगा कि ऐसे काम करते हैं कैसे, नहीं, या तो फिर नए लोग रहते हैं जो आने के लिए सोचते हैं मुंबई, उनको मन में डर रहता है कि कैसा काम होगा कैसे नहीं, तो हर जगह अलग अलग होता है, ये भी चीज़ है। तो मेरे यहाँ का तो मैं बता दी कि ऐसे होता है करके, अगर जो कोई भी न्यू आना चाहते हैं, मशीन वगैरह चालू कैसे करना पड़ रहा है बोलिएगा। हम लोग के यहाँ सीमेंस मशीन है, वॉशिंग का भी वही है, ड्रायर का भी वही है, बर्तन वाला डिश वॉशर भी वही सीमेंस का ही है। अगर कोई नहीं जानते हैं तो बोलिएगा, मैं मशीन का ये दिन ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे चालू करना पड़ता है, अलग अलग होता है, सबके अलग अलग तरीके से चालू करते हैं, तो हम लोग यहाँ जैसे करते हैं मैं बताऊंगी आप सबको, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने इस मशीन, तो पूरा काम भी ख़त्म हो गया है और मशीन भी पूरा भर गया है, जो कि अभी मेरे को चालू करना है। और मैं इसका जो भी बर्तन साबुन है वो डाल दी हूँ, और आप देख सकते हैं कैसे जमाते हैं मशीन, कुछ इस प्रकार से जमाना पड़ता है। तो मशीन आधा रहे तब भी चालू नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है उसके वजह से, पूरा फुल रहना चाहिए, तो ऐसे चालू करना पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।